हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आपके फ़ोन के अंदर अगर आप कुछ मिलाते हैं किसी को कॉल, तो वो कॉल एंडेड दिखाने लग जाती है, तो सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर ये आपको एरर दिखाई देता है तो हर जगह पर दिखाई देगा। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स में जाना होगा अपने मोबाइल की। तो यहीं पर होगा हमारा सेटिंग्स, तो ये रही हमारी सेटिंग्स, इसको खोल लेते हैं। और सेटिंग्स को खोलने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्लाइट मोड पर जाना है और इसको ऑन कर देना है। अब ये ऑन होने में एक मिनट लगेगी, ऑन होने के एक मिनट बाद आप इसको बंद कर दीजिएगा। एक दो मिनट रुकिएगा, आप 5-10 मिनट भी रुक सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर 5-10 मिनट तक आप रुक जाएं तो आपकी जो प्रॉब्लम है ये सोल्व हो जाएगी। आपको इसको बंद कर देना है और मैं यहाँ पर बंद करके आपको इसको दिखा देता हूँ। तो पहले इसको इनेबल हो जाने देते हैं। तो हमने इसको जो है डिसेबल कर दिया है, बंद कर दिया है, और उसके बाद बैक लाना है हमें। और यहाँ पर गाइस फिर जो है हमें बैक आना है और अपने डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद यहाँ पर आपको मोड दिखता होगा सबसे कोने पर, इस पर क्लिक करना है और सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मोर सेटिंग्स, तो मोर सेटिंग्स पर आपको जाना है। मोर सेटिंग्स पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉल बैरिंग, कॉल बैरिंग को आपको खोल लेना है। तो ये फ़ोन थोड़ा सा हैंग चलता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। तो यहाँ पर आपको कॉल बैरिंग में जाना है और यहाँ पर वॉइस कॉल में जाना है हमें। वॉइस कॉल में जाने के बाद यहाँ पर आपको अगर आपके आउटगोइंग कॉल्स यहाँ पर आपको डिसेबल दिखे रीडिंग होने के बाद, रीडिंग सेटिंग्स के बाद आपको अगर आउटगोइंग कॉल डिसेबल दिखे तो आपको उसको जो है अगर आपको चालू दिखे तो उसको डिसेबल कर लेना है। यहाँ पर रीडिंग को ख़त्म होने देते हैं, थोड़ा सा फ़ोन ये स्लो चलता है। तो यहाँ पर आपको इसको जो है बंद कर देना है। फिलहाल मेरा बंद ही है, अगर चालू होता तो ये होता, तो उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कॉल एंडेड की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अपने मोबाइल को यहाँ पर बंद कर लीजिएगा, उसके बाद जो है स्टार्ट कीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।